कितनी देर हो गई अभी तक नहीं आई है। ऑनलाइन काम वाली बुला तो लिया लेकिन पता नहीं कैसे होगी। कल अफ्तार पार्टी है और इतने सारे काम है और अभी तक नहीं वो आई। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगी। लुकमान इतने काम है, बस होपफुली आ जाए वो। पता नहीं कैसी होगी। अच्छी होगी, तुम उसको सब काम समझा देना तो वो कर लेगी। लगता वो आ गई, मैं देखती हूँ। आ गई, आप सबकी डिमांड पर नई काम वाली आ गई है। लगता यही है। तुम? हेलो, आई एम योर न्यू इन्फ्लुएंसर मेड। ओह नो, व्हाट? मेरा मतलब है कि आपने बुकिंग करवाई थी? बुकिंग? यस ऑफ कोर्स करवाई थी। तो ठीक है, फिर जगह देना, आखिर बहुत गर्मी है बाहर। लेकिन मैंने आपको क्लीनिंग के लिए बुलाया, ये सब की तो जरूरत ही नहीं थी। ये तो मेरी जॉब है, क्लीनिंग तो मैं सिर्फ टाइम पास के लिए करती हूँ। दिस इज माई रियल जॉब, यू नो। अच्छा, अजीब काम वाली है। पहले तो काम वाली है झाड़ू पोछा लेकर आती थी और अब ये सब। ओह नो। एनीवेज, आप प्लीज अंदर आए प्लीज। एसी खराब है क्या आपका? नहीं तो, कितनी गर्मी है यहाँ पर। यकीन नहीं होता ये काम मेरी है। एक्सक्यूज मी, कुछ नहीं कुछ नहीं। एनीवेज, काम क्या करना है यहाँ पर मुझे? ऐसा है कि कल मेरे घर में अफ्तार पार्टी है, तो आज तुमने सारा घर साफ करना है, क्लीनिंग कर लेना, डस्टिंग कर लेना, और किचन में कुछ काम है मेरे साथ वो करवा देना। और कल भी तुमने आना है। इफ्तार पार्टी? कितना गंदा घर है ये। ओह नो, लेट मी टेक सम बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स। पहले ये इतना गंदा था। एनीवेज, अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने, तो तुम ऐसा करो कि क्लीनिंग से स्टार्ट करो, उसके बाद मैं आकर तुम्हें सारा कुछ बता दूंगी। ठीक है? ठीक है ठीक है, आप जाएं। गुड। हाय गाइस, आई एम हियर फॉर क्लीनिंग टुडे, और मैं आज आपको दिखाने लगी हूँ कि गंदा सा घर, ये देखें ये कितना गंदा है। पहले मैं आपको इसकी बिफोर की वीडियोस दिखाऊंगी, एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे चमकाते हैं। ठीक है? ये देखें, ये सारी साइड कितनी गंदी है। ओह माय गॉड, हमें इसको क्लीन करना है अब। ओके गाइस, तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सी या। गर्मी है, मैं तो थोड़ी देर रेस्ट करने लगी हूँ। हेलो आंटी। एक्सक्यूज मी, आंटी किसको बोला है आपने? आंटी आप क्या कर रही है? मैं टिकटॉक और रील्स बना रही हूँ। वो क्या होता है? वो क्या होता है, इधर आओ मेरे पास बैठो, मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, जब ये टाइमर बजेगा ना, अब आपने ऐसे करना है, ऐसे कर लो। या अब हम बनाएंगे अपनी टिकटॉक रमजान के लिए। ये क्या, तुमने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया? आपने मुझे बताया नहीं कि क्या कहां से स्टार्ट करनी है क्लीनिंग? मैंने कहा तो था क्लीनिंग स्टार्ट करो, क्लीनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा, अभी स्टार्ट करती हूँ। Thank you.
गॉड, लगता है पूरी दुनिया की मिट्टी इसी घर में गिरती है। ओह माय गॉड, आई एम सो एलर्जिक। इसको साफ कैसे करना है? ये कैसे डस्टिंग कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था कि ये डस्टिंग वाला कपड़ा शीशे पर नहीं यूज करना, सारा शीशा खराब हो जाएगा मेरा। ऐसा करें कि आप मुझे करके दिखा देंगे इसको साफ कैसे करना है, तो फिर मैं कर लूंगी साफ। पीछे हो तुम, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ऐसे साफ करते हैं शीशे को? सारा शीशा खराब कर दिया मेरा तुमने। जाओ तुम, मैं खुद ही कर लूंगी सारी डस्टिंग। अब खुद ही करना सारी डस्टिंग, मिट्टी पाओ। मुझे नहीं समझ आ रही कल की पार्टी के लिए घर को कैसे तैयार करूंगी मैं, ये तो मुझे किसी काम की नहीं लगती। ओके गाइस, सो आई एम हियर अगेन। और हेलो मैडम, के उठे और जाके बर्तन धोकर आए। कितने बर्तन पड़े हैं किचन में? बर्तन भी पड़े हैं। हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ, जल्दी जाओ, भी और भी बहुत काम करने हैं। पता नहीं क्या बनेगा घर का। इतने बर्तन, कितना खाते हैं ये चार लोग। ऐसे बर्तन धोऊंगी कि दोबारा कोई बर्तन धोने को नहीं कहेगा। रेडी। इतना शोर, तू जाके बर्तन धो रही है कि तोड़ रही है? ये क्या कर रही हो? बगैर साबुन के बर्तन धो रही हो तुम? Oh, no. कम से कम पानी से तो धो रही हूँ ना। ना शुक्री, बगैर साबुन के कौन बर्तन धोता है? I can't believe this. तो फिर आइए, आप खुद ही आके धो लीजिए। पीछे हटो तुम, मैं सारे बर्तन खुद ही धोऊंगी। यकीन नहीं होता, सारे बर्तन मुझे फिर से धोने पड़ेंगे। पता नहीं कैसे बर्तन धोकर गई है ये। पता नहीं कैसा घर है, किस तरह से ये लोग सरवाइव करते हैं कुछ समझ नहीं आता। ये आप क्या कर रही हैं? मैं अपने फैंस को अपडेट कर रही हूँ। यू नो, अगर उनको अपडेट ना दो तो फिर वो डीएम्स पे डीएम्स कर कर के पागल हो जाते हैं। अच्छा, आपके फैन भी हैं? जी, मेरे बहुत सारे फैंस हैं। हो, ये भी काम मुझे करना था। अच्छा, अच्छा, क्या आइडिया आपका? सर्च करें @_bhurpari.com। ये देखिए मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पे आ रही है। ये देखिए देखिए, देखती हूँ। लुकमान, क्या आपको याद है कि कल आपके दो बड़े भाई जान आ रहे हैं अफ़दारी पर? हाँ हाँ। और अपनी पूरी फैमिली को भी साथ लेकर आ रहे हैं। तो फिर जल्दी उठे और उठ के जाकर काम करके आए जो मैंने आपको बताए थे। और तुम मैडम, आज तो मैंने सारे काम कर लिए, कल प्लीज टाइम पर आ जाना क्योंकि कल है इफ्तार पार्टी। हाँ ठीक है ना, तो कल मैं बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पर आ जाऊंगी। डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। वो ना, कल इफ्तारी के मेन्यू में अगर समोसे, पकौड़े और कचौरियाँ थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ प्लीज,
मेक श्योर कि कीमे की कचौरी होनी चाहिए, ठीक है? मैं कल बिल्कुल टाइम पर आऊंगी। कार पार्टी हो और मैं टाइम पर ना हूं। चलिए ठीक है, कल फिर मैं टाइम पर आ जाऊंगी। ओके बाय। मैं इसको अवतार पार्टी के काम के लिए बोल रही थी और ये क्या समझ रही थी? उफ, क्या मुसीबत है ये। तो इतने गंदे लोग हैं ये, बहुत ही गंदा घर था। मैं तो थक गई हूँ, बाकी की स्टोरीज घर जाके अपडेट करूंगी। Oh no! सारे काम मैंने किए और मेरे पैसे डिडक्ट भी कर लिए मेरे। कैसी मेड थी ये, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मेड। सारे काम मैं खुद ही कर लूंगी, अभी कैंसिल करती हूँ इसको। खाली वाली मेड, खुद ही कर लूंगी मैं सारे काम।